पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के लाजपत नगर इलाके में रामलीला ग्राउंड में होने वाली रामलीला को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रामलीला कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित रहे और रामलीला को लेकर बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। रामलीला को लेकर इस वर्ष किस तरह से तैयारियां की जाए, साथ ही कमेटी के सदस्यों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस साल होने वाली रामलीला के विषय में चर्चा की गई। कमेटी के सदस्यों के द्वारा रामलीला के उद्घाटन को लेकर भी चर्चा की गई। श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर है और 3 तारीख से यहाँ रामलीला का आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। उस उपलक्ष्य में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। 15 तारीख को रावण दहन का कार्यक्रम है जो महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में होगा, और सबसे ज़्यादा आकर्षक जो कार्यक्रम है हमारे यहाँ का वो 13 तारीख को है, जो हनुमान जी की उड़ान जो है 200 फीट की ऊँचाई से संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, वो एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। और क्या आज क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों के लिए? हमारी ओर से मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो देश का जो अभियान चल रहा है वैक्सीनेशन का, उसमें वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवा कर आएँ, और उसके साथ में यहाँ पर भी क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन होगा रामलीला में, तो उसमें आप लोग जो हैं अपने घर से मास्क आदि लगा के लेके आएँ। कम से कम लोग बच्चों को लेके जो आएँ वो सब मास्क के बिना कोई नहीं आएगा। सैनिटाइज़र अगर साथ लेके आए, वरना यहाँ पे भी सैनिटाइज़र की व्यवस्था रहेगी। हर व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग से बैठाला जाएगा। कोरोना के नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए ही रामलीला का आयोजन। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।